हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से हालत खराब होती जा रही है। शहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को भी कोरोना के 1693 नए मरीज मिले, जबकि 6 की मौत हुई है। दिन में कुल 9059 सैंपलों की जाँच की गई। इसके अलावा 611 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक 1,18,679 मरीजों के सैंपलों की जांच की गई है। इसमें से कुल 84,290 मरीज संक्रमित मिले हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,023 पर पहुंच गया है। फिलहाल 10,351 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शहर के हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में कतारें लगी हुई है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया जा रहा, क्योंकि जगह खाली नहीं है। जब शहर में सब्जी और ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए सुबह 6 से 10 तक का समय दिया गया था, तब बाज़ार में भारी भीड़ हो रही थी। जैसे ही बुधवार को शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहने का आदेश जारी हुआ, तो बाज़ार में भीड़ भी कम हो गई। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।